बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछड़े वर्ग के बारे में केवल पाखंड कर रही है। साथ ही कहा कि सरकार ने अपने शासन के दौरान ओबीसी आरक्षण के लिए कोई प्रयास नहीं किए। कमलनाथ ने पिछड़ा वर्ग की पीठ पर छुरा घोंपा है। साथ ही कमलनाथ से सवाल किया कि 27% आरक्षण बरकरार रखने के लिए उनकी पार्टी ने क्या किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पाखंड चलने नहीं देंगे, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने में बीजेपी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस ने तो पाखंड किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को मिले इसको लागू करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हम प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे और हमारा भरपूर प्रयास होगा, कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे कि पिछड़े वर्ग को यह आरक्षण मिले। पड़ेगा पूरी कांग्रेस को और कमलनाथ जी को 19 तारीख इस अत्यंत महत्वपूर्ण मामले में कम से कम एडवोकेट जनरल को तो खड़ा करते, देश के प्रख्यात वकीलों को लाते। स्टे ना मिले, आरक्षण लागू हो जाए इसकी कोशिश करते, लेकिन इनका एडवोकेट जनरल तक खड़ा नहीं हुआ। आसानी से स्टे होने दिया क्योंकि ये लाए इसलिए थे कि स्टे होना है, स्टे कराने का षड्यंत्र किया कमलनाथ आपने, ये पाप किया पूरी कांग्रेस ने और आज नौटंकी कर रहे हो। कांग्रेस पाखंड कर रही है, घटिया राजनीति कर रही है, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और समाज को तोड़ने के अभियान में लगी हुई है।